को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पे आईसीसी ने फाइनली एक बड़ा फैसला ले लिया है। लगातार बातें चल रही थी कि आईसीसी की अगली मीटिंग कब होने वाली है, पीसीबी से कब बात होगी, पीसीबी चेयरमैन से कब चर्चाएं होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और फाइनली बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। एक एक करके आपको बता देते हैं जो कि रिपोर्टेडली सामने आ रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी अपडेट्स। पहले आपको बता दें, द बजट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हैज बीन अप्रूव्ड इन द आईसीसी मीटिंग। मतलब बड़ी बात यह सामने आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो बजट रखा गया था वो सारा का सारा अब अप्रूव हो चुका है। सारी चर्चाएं बजट को लेकर हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है बजट। अमाउंट सामने नहीं आया है, लेकिन ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है। आगे अगर पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, द अप्रूवल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी बजट वाज गिवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द आईसीसी मीटिंग्स। आईसीसी की मीटिंग लगातार चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जहां पे लगातार अलग अलग अपडेट्स आए जा रही थी कि भैया इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रख दिया है रिपोर्टेडली। फिर उसके बाद उससे पहले यह भी सामने आया था कि पीसीबी का जो अप्रूव, जो उनकी तरफ से शेड्यूल सामने आया है वो भी सामने आया था, उसको लेकर अप्रूवल सारी क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है। नहीं, पाकिस्तान का बजट मंजूर हो गया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इसका मतलब यही है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के पास है। और वो खबर बिल्कुल दोस्तों भारत से जो चलाई जा रही थी उसकी नफी होगी है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका या फिर दुबई को दी जाएगी। अब मतलब एक जो भारत का प्रोपोगंडा था वो सिरे से ही निखर कर बाहर चला गया, क्योंकि बजट आपका अप्रूव हुआ है तो चैंपियन ट्रॉफी आपके पास है। पाकिस्तान ने बनाया था 600 करोड़ का बजट, एक बहुत ही बड़ा बजट था जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने बनाया था। ये दोस्तों पाकिस्तान का बजट 3 दिन के लगातार दोस्तों गुफ्तगू के बाद और फिर मीटिंग्स के बाद आकर मंजूर कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक कछुए के साथ भी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। कछुआ आपको पता है जेशा है, जेशा कछुए के साथ मुलाकात दोस्तों इस वजह से हुई है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है, जबकि जेशा ने अभी तक नहीं कहा कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स तक दोगला चैनल जो विक्रांत गुप्ता का है उसने झूठी खबर चलाकर एक हाइप क्रिएट की है कि पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर भारत पर पहला वार हो चुका है पाकिस्तान की जानिब से कि भारत का जो ये कहा जा रहा था, और कुछ नमक हराम दोस्तों पाकिस्तानी बेगैरत जिन्हें आप जो कुछ भी जितनी भी आप गाली दे दें वो कम है दोस्तों। वो पाकिस्तानी पेजेस जो फेसबुक पर पाकिस्तानी या मुसलमानों का नाम रखकर ये लिख रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी हमसे चली गई है, और दोस्तों ऐसे बेवकूफ और दोस्तों गद्दार लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी चली जाएगी, भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, आज उनके मुंह पर कालक है। भारत को तो छोड़िए, भारत वो हमारा खुलकर दुश्मन सामने आता है, लेकिन दोस्तों जो अपने अंदर जो बैठे हैं, जो आकर टीवी पर या फिर मीडिया पर आकर पाकिस्तान की बदनामी करते हैं और पाकिस्तान पर हंस हंस कर खुद ही अपने मुल्क पर मजाक बनाते हैं, वो पाकिस्तान के इंडिया से भी बहुत बड़े दुश्मन है, और उनके मुंह पर भी कालक मलकर दोस्तों पूरे बाजार में घुमाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने मिशन में कामयाब होता जा रहा है। ये वो भी चीजें सामने आ रही थी। तो ये जो अपडेट हुई कि भैया बजट जो है अप्रूव हुआ आपका, आईसीसी ने जो ये बजट अप्रूव किया, कब किया, आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी दिन में इस चीज का अप्रूवल मिला है रिपोर्टेडली। द बजट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय पीसीबी एंड आईसीसी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पार्टिसिपेटेड इन द आईसीसी मीटिंग। सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है, तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जी को वहां पे पार्टिसिपेट करना ही था इस मीटिंग को लेकर, और बहुत सारी चर्चाएं होनी भी थी। आपको याद होगा जय शाह के साथ भी बात आ रही थी, सामने की मीटिंग हुई है और बहुत सारी चर्चाएं उनकी जय शाह से भी हुई है पीसीबी चेयरमैन की, एंड बड़ी सारी अपडेट्स थी। लेकिन यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिर से हम बता दें कि भैया जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं कि जो आपका बजट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जिसका आगाज होने वाला है फरवरी के महीने से, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे कि आपको बताया, उसके लिए बजट अप्रूव हो चुका है। आईसीसी की जो मीटिंग चल रही थी उसके आखिरी दिन पे ये फैसला लिया गया, और साथ ही मैं आपको बता दें कि जहां पे मौजूद थे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, और साथ ही में आईसीसी के बीच में ये मीटिंग हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। साथ ही मैं आपको याद दिला दें, थोड़े दिनों पहले शेड्यूल भी सामने आया था, शेड्यूल भी आपको बता देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पीसीबी ने जो शेड्यूल अपनी तरफ से भेजा है, और कुछ क्रिकेट बोर्ड्स का उसको लेकर अप्रूवल आ गया, और रिपोर्टेडली कुछ क्रिकेट बोर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी तय करेंगे इस चीज को लेकर, जैसे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड लगातार बात हो रही है, बीसीसीआई की बात हो रही है कि बीसीसीआई कब इस चीज को लेकर फैसला लेगा। यहां पर आपको बताया कि 19 फरवरी को पहला मैच, पहला मुकाबला खेला जाएगा, और फाइनल जो है, फाइनल आपको दिख रहा है यहां पे कि 9 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा। यह सारी अपडेट सामने आ रही है, और बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वही अगर आपको बता दें कि भैया इंडिया के सारे मैचेस ऑलमोस्ट लाहौर में ही, आपने तय किया कि लाहौर में ही इंडियन टीम खेलेगी, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी बड़ी पास है, जहां से फैंस भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं, मीडिया भी बड़ी आसानी से जा सकती है, प्लेयर्स के लिए भी प्रॉक्सिमिटी थोड़ी पास है, तो इसीलिए लाहौर में ही इंडिया के सारे मैचेस शेड्यूल किए हैं पीसीबी ने अपनी तरफ से। उसको लेके अप्रूवल हम देंगे या नहीं देंगे तो आगे आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन ज्यादा चर्चाएं यही सामने आ रही थी कि इंडियन टीम के लिए हाइब्रिड मॉडल तो अपनाया जाएगा। देखिए, जितनी मर्जी बात कर लीजिए कि भैया आईसीसी की चलती है, आईसीसी का लास्ट कॉल होगा, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है ना
कि रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है जिसकी नेटवर्थ आप सभी को पता है 18,700 करोड़ रुपए। अब उसके अंदर इतनी नेटवर्थ जिसके अंदर आईसीसी के जितने भी हम जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा शेयर हमारा ही है ना। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात सामने आती है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं हम बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को, तो इसीलिए हमारी थोड़ी सी ना ज्यादा चलती है, थोड़ी पावर हमारे पास ज्यादा है। ये बात सच है जो सबको समझ आती है क्लियरली। लेकिन आपको बताने जो अपडेट सामने आ रही है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बजट जो है उसको अप्रूव कर दिया है। हालांकि ये भी अपडेट कल भी आ रही थी कि जय शाह साहब के साथ भी अलग से मीटिंग होने वाली है, पीसीबी चेयरमैन की जो मीटिंग्स को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही थी ना कि क्या डिसीजन होने वाला है, टी20 सीरीज की बात जो लगातार चल रही थी, तो यहां पे एक और अपडेट सामने निकल के आ रही है। हालांकि ये बात सामने आ रही थी कि आज आईसीसी की मीटिंग होने वाली रिपोर्टेडली, और ये सामने आया जो अपडेट्स अभी तक आपको दिख रही है कि बजट जो है अप्रूव हो चुका है। वहां पे मीटिंग के अंदर पीसीबी के चेयरमैन नकवी साहब भी थे और साथ ही में आईसीसी चेयरमैन के बीच सारी मीटिंग हुई और फाइनली ये फैसला लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि बजट अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया कि एग्जैक्ट मतलब बजट जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो सामने नहीं आया अभी तक, वो सामने आना अभी भी बाकी है, सामने आएगा, वेट करते कितना अमाउंट वो एग्जैक्ट होने वाला है। लेकिन 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे डाउट्स लगातार आ रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शुरुआत से, आपको याद होगा पहले तो यही डाउट था कि ये टूर्नामेंट जो है आपका क्या 50 ओवर फॉर्मेट होने वाला है या 20-20 ओवर टी20 फॉर्मेट होने वाला है। लेकिन टी20 फॉर्मेट बॉस ये नहीं हो रहा है, क्लियर कर दिया गया था पहले ही और बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली क्लियर हो चुकी थी। एंड साथ ही में जैसे ही आपका टी20 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अलग अलग अपडेट्स लगातार सामने आ रही थी। एंड फाइनली यहां पे एक और खबर जो बजट को लेकर सामने आ चुकी है कि बजट फाइनली अप्रूव हो चुका है एंड यहां पे इस चीज को लेकर फैसला ले लिया गया है। अब इंतजार रहेगा इस चीज का कि अमाउंट कब सामने आएगा, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है जो पीसीबी चेयरमैन और आईसीसी मीटिंग में तय हुआ है। ये बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी यहां पे एंड उस क्लैरिटी का ही हम सब इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली वो अमाउंट रिवील हो, है ना जी, क्योंकि मीटिंग को लेके रिपोर्टेडली अपडेट सामने आ रही है ना जी, क्योंकि आज बात हो रही थी कि आज मीटिंग होगी होगी एंड लास्ट दिन पे बाय द वे तय किया गया आईसीसी मीटिंग्स के अंदर, तब जाके ये फैसला सामने आया है कि एक बजट फाइनली वहां पे अप्रूव कर दिया गया है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। फिर से आपको बता दें कि 19 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा एंड 9 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा जो कि आईसीसी और पीसीबी के बीच तय हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये वो भी चीजें सामने आ रही थी। तो ये जो अपडेट हुई कि भैया बजट जो है अप्रूव हुआ आपका, आईसीसी ने जो ये बजट अप्रूव किया कब किया, आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी दिन में इस चीज का अप्रूवल मिला है रिपोर्टेडली। द बजट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय पीसीबी एंड आईसीसी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पार्टिसिपेटेड इन दी आईसीसी मीटिंग। सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जी को वहां पे पार्टिसिपेट करना ही था इस मीटिंग को लेकर, और बहुत सारी चर्चाएं होनी भी थी। आपको याद होगा जय शाह के साथ भी बात आ रही थी, सामने की मीटिंग हुई है और बहुत सारी चर्चाएं उनकी जय शाह से भी हुई है पीसीबी चेयरमैन की एंड बड़ी सारी अपडेट्स थी। लेकिन यहां पर